तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप वर्तर शेपट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी हो रही है डेरे शुरू। तो डेरे में अभी हमारे कहें ताऊ जी के डेरे में, तो यहाँ पे हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे हमारे साथ राजू भाई और दीपू भाई है सामने, लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ये देख लीजिए। तो दोस्तों आज इनके डेरे में आ रखे हैं बैठने को। तो बारिश हो रही है बहुत ही भयंकर तरीके से, आपको दिखाता हूँ मैं बारिश भी। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरी एकदम बिल्कुल बुरे हाल है बारिश से। तो भेड़ बकरी जंगल जा रखे हैं, अभी बैठ रखे हैं आराम से, तो आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा, थोड़ा बहुत इनसे बातचीत करते हैं, तो देखते हैं आप, अभी आपके साथ बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, ये देख लीजिए पूरी तरीके से। और यहाँ पे देख लीजिए कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख लीजिए पूरा, ये देख लीजिए। और यहाँ पे बना रहे हैं दीपू भाई हमारे कुत्तों के लिए खाना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ताऊ जी बैठे हुए हैं, तो ताऊ जी से बात करते हैं। तो बड़े जी क्या क्या हाल समाचार हैं आपके? हाल समाचार बरखा खूच मोट लगने बस। तो दोस्तों ताऊ जी कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, और देख लीजिए बहुत ही बुरे हाल हैं बैठे हुए आराम से। तो यहाँ पे अभी राजू भाई आ रखे हैं, राजू भाई ने डेरा ऊपर छोड़ दिया है, तो ये मामा जी के साथ रहते हैं। आपको जिनके साथ हमारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, मैंने वो वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरीके से, और बाहर देख लीजिए पूरा कोहरा लगा हुआ है श्रावण के महीने का। तो दोस्तों अभी श्रावण के महीने में टाइम लगेगा बहुत आने को। तो ये देख लीजिए पूरी तरीके से बारिश हो रही है, और यहाँ पर ये देख लीजिए हमारे ऊन के कम्बल। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज हम सिल्डोबरा खागे में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अभी हम सुबह को, आपको पता था मैं नीचे डेरे में जा रहा था, वहाँ से वीडियो शुरू की थी मैंने, लेकिन बीच में मैं वीडियो इसलिए बना भी नहीं पाया क्योंकि मोबाइल का एक तो चार्ज करने का यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये देख लीजिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ये सिल्डोबरा है पूरा। तो सिल्डोबरा में बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी है, और ये सामने जो है ये गिल्डोबरा है जहाँ हमारी बकरियों ने कल आना है। तो ये गिल्डोबरा है सामने, और दोस्तों ये सामने गंगी पार नाले हैं। और दोस्तों ये जो मेन बॉर्डर है, जो खागा जिसको बोलते हैं हम, यहीं पे बॉर्डर है जिसको भेड़ बकरियां लांघती हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे बर्मा कमल के पेड़ हो रखे हैं, ये देख लीजिए। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे एक एक चक्कर डाले, एक एक चक्कर अभी हो डालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, नीचे हमारा डेरा दिख रहा होगा आपको पीली बरसाती वाला। तो ये है यहाँ पर ग्लेशियर, और ये देख लीजिए यहाँ पर डेरा है, यहाँ पे डेरा है, और डेरे के ओवरली साइड हमारी भेड़ बकरियाँ हैं। तो दोस्तों अभी हम एक चक्कर मारेंगे, और हमारे साथ आ रखे थे राजू भाई, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, ये देख लीजिए। और ये है द्वार खोली, यहाँ से माँ जगदी का मंदिर है आगे, तो यहाँ से उसका रास्ता जाता है जहाँ पे ये बर्फ़ का जो सामने वाला जो एक ही वो है, तो उसमें तो यहाँ पे द्वार खोली बोलते हैं नाम पे। कभी आऊँगा मैं वहाँ से भी तो आपको दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि अभी लेट हो रही है, हमने एक चक्कर लाना है, शाम के 5:30 बज चुके हैं, और एक चक्कर लाना है। यहाँ पे देख लीजिए ये सामने खागा की भगवती है, और ये परसों त्रिजुगी नारायण से पोस्टर ले आए थे, तो एक पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक आगे लगेगा, तो एक लगा दिया यहाँ पे। और दोस्तों ये देख लीजिए पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नीचे एक डेरा है, तो अभी क्या पता मैं वहाँ भी जा सकता हूँ शाम को, तो वहाँ फालतू सामान ले आएंगे हम एक एक चक्कर, तो वहाँ रखेंगे सीधे नीचे ही वो। तो दोस्तों बने रही वीडियो में, तो फिर चलते हैं नीचे की ओर, तब दिखाते हैं आपको। रस भी ले आएंगे तुम दोनों? तो दोस्तों यहाँ पे ये बर्फ देख लीजिए बहुत ही भयंकर तरीके से, अभी ऊपर से तो आज तो ये अभी ये बेटा खोट ले गया यार भयंकर जबरदस्त। दोस्तों यहाँ देख लीजिए पूरा पांव डूब चुका है यहाँ पे, क्यों ना नहीं होना चाहिए तरे मैं खेचा यार जो तो फांसी में लिए पकड़ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूरा पांव चले गया था मेरा अंदर, तो मेरा पाँव भी लग चुका है यहाँ पे, भयंकर खतरनाक ये पत्थर होते हैं, इनमें थोड़ा भी लगेगा तो इतना दर्द होता है बहुत ही भयंकर तरीके से।
दोस्तों तो यहाँ पे ये मंदिर है, ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरी घंटियाँ चढ़ाई हुई है। चांदी से कदेला मैं दिया पहली बार देखी, चांदी बोली नकल्स पचास। तो दोस्तों यहाँ पे किशन भाई आज फर्स्ट टाइम आ रखा है, पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देख लीजिए हमारे साथ राजू भाई हैं, तो राजू भाई भी आ गए। और दोस्तों यहाँ पर नीचे एक रातू है राशन डाली हुई, तो वहाँ से कम 2 घंटे यहाँ पे ऊपर चढ़ने को लगते हैं। तो अभी 2 बेच राशन है नीचे, मतलब एक आटे का है एक नमक का है, जो कल किशन भाई और मैं ले आए थे सुबह को, तो वो ले आना हमने ऊपर। तो दोस्तों फिर देखते हैं, आप को दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये है सगरी च्यू बोलते हैं इसको, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये फुल भरा हुआ है सगरी च्यू का। तो दोस्तों नीचे जाके आपको राशन दिखाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको सिल डोबरा। तो दोस्तों फाइनली हम दोबारा एक रात में आ चुके हैं, और ये देख लीजिए हमारे पेट में राशन रखा हुआ है, बहुत ही भयंकर चढ़ाई है, बहुत ही सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप, कुल बिल्कुल पेड़ पौधों का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। ये देख लीजिए आगे चल रहे हैं किशन भाई, तो किशन भाई के पास थोड़ा सामान दे रखा है, दोस्तों बैठ रहा है यहाँ पे किशन भाई। और ये सामने जो राशि है, धूप लगी हुई है, अभी तो पूरा मौसम साफ हो गया एकदम से, सुबह को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी दोस्तों, यहाँ पे कोई वो नहीं था। 2:30 बजे हुआ ये मौसम साफ, तो 2:30 बजे हम 2 बजे के लगभग चलेंगे डेयरी से। तो एक चक्कर हमने डाल दिया खागे में, तो दूसरा चक्कर ले जा रहे हैं, ये मेरा उम्मीद है कि सिलडोबरा चले जाए। तो अभी 5:30 हो रहा टाइम, अगर 6 बजे भी हम खागे में पहुंच गए तो नीचे जाने को आधा घंटा लग जाएगा, आधा या 1 घंटा, तो फिर हम वहां से रिटर्न हो जाएंगे। तो 8 बजे के लगभग हम डेरे में पहुंच जाएंगे, 8:30 बजे। तो अगर जो तो आधा घंटे में पहुंच गए ऊपर, तो फिर चले जाएंगे, नहीं पहुंचे तो रिटर्न वापस कल जाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे कल का ब्लॉक गिल्डोबरे का। तो वैसे दोस्तों जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था करवानी है, और कुत्तों के लिए खाना बनवाना है, तो आटा ले जाएंगे ना अभी वहाँ, क्योंकि कल नीचे से जैसे आएंगे तो खाना पीना ओके रहेगा, तो सब कुछ हो जाएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं गिल्डोबरा में, ये खागा में। तो सिलडोबरा नीचे जाने का प्लान बनेगा, तो चलेंगे तभी देखते हैं। पहले यहीं पे नीचे चढ़ा जा रहा है, भयंकर पूरी तरह से सांस फूल रही है यहाँ पे। मेन चीज़ यहाँ यही है कि सांस फूल जाती है। और यहाँ से आज हमारा माटिया पंवली अपना सारा दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा आसमान साफ हो गया। मैं तो बोल रहा 3 दिन तक ऐसी धूप होती तो आहा मज़ा आ जाती। तो दोस्तों चलते फिर दिखाते आपको खागा। दोस्तों अभी खागा जाने को मतलब दिखने को तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। और जाते जाते मेरे को ये पता है कितनी बुरी हाल है यहाँ पे। एक बार सामान चले गया ना दोस्तों, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आराम से खा के बैठना है। आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर, जो अगर मोबाइल चार्ज करने का कोई साधन हो गया, वैसे तो मेरे पास सोलर है, वो भी ले जाऊंगा मैं ऊपर, वो एक पावर बैंक है मेरे पास, वो उसको चार्ज कर देता है, क्योंकि मोबाइल लगाऊंगा तो एकदम ख़राब हो जाता है। और यहाँ से देख लीजिए क्या ख़तरनाक व्यू है, ऑसम व्यू है यहाँ से दिखने को।
तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही भयंकर तरीके का हुआ है। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं खागे में, तो यहाँ पे किशन भाई हैं। तो अभी दोस्तों एक डेढ़ घंटा लग गया हमको, बहुत ही बुरे हाल है। और ये देख लीजिए नीचे हमारा डेरा, यहाँ से झंडी से जाके। और दोस्तों ये शहीदा देख लीजिए, ये त्रिजुगी के ऊपर शिमली ढुमका बोलते हैं, वहाँ की जगह दिखाई दे रही है जो है ये वाली। और दोस्तों यहाँ पे ये अपना चौकी है, और जहाँ पे ये कोयरा लगा हुआ है यहाँ पे ये ताली है, और ताली से आगे वो कोयरे से आगे जो ये है ये पवाली और माटिया एक साथ है दोनों। तो ये देख लीजिए दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। तो ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कोयरा लगने लग गया है। अगर सुबह मौसम ठीक रहेगा तो सुबह तड़के में हमारा डेरा निकल जाएगा। तो चलते हैं अभी, तो हमारे साथ राजू भाई तो नीचे चले गए थे, तो ऊपर खागे में डालते हैं, नीचे जाने का नहीं होगा क्योंकि 6:30 या 7 बज चुके हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी देख लीजिए पीछे हरा लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए पूरा बुग्याल, अभी धूप के मारे ये हरा दिख रहा है, पूरा लाल है इसमें, पर धूप चमकी हुई है इसमें तो इसलिए हरा दिख रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का घास लगा हुआ है। तो चलते हैं ऊपर फिर दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों फिर से पहुंच गए हम सिलडोबरे खागे में। तो ये देख लीजिए अभी बहुत ही भयंकर सुंदर नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे जो है नीचे नाला है, तो ये यहाँ पे पूरा ये यहाँ से सिलडोबरा हुआ, और ये सामने का जो ये जहाँ पे ये धूप लगी हुई है अभी, तो ये गिलडोबरा हुआ, उसके ऊपर जुए हुआ, फिर ऊपर आश्रीगढ़ हुआ। तो दोस्तों इसके पीछे भगवती का वो है, और दोस्तों एक सामने एक जगह दिख रही होगी आपको, ये देख लीजिए। तो ये जो इतना समझ लो तुम कि जब से बर्फ़ गिरी होगी तब से वो पुरानी बर्फ़ है, बहुत ही पक्की बर्फ़ होगी वो। तो ये देख लीजिए सामने वो दिख रही है, और दोस्तों यहाँ पे ये गिलडोबरा है सामने, तो ये सिलडोबरा आ गया। और यहाँ पे कृष्ण भाई और मैं भी आ गए। तो दोस्तों चलते हैं, ये देख लीजिए बहुत ही भयंकर भयंकर खराब रास्ता है, लेकिन जब काम यही है तो करना तो है। अभी मेरा पाँव लग गया था यहाँ, तो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, पाँव तो मेरा पहले भी लग गया था, वो भी पाँव लगा हुआ है पहले का भी। तो दोस्तों अभी मेरा पाँव यहाँ पे गया था अंदर, तो यहाँ देख लीजिए बहुत ही भयंकर तरीके से वो हो रखा है, और क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा राशन पैक हो चुका है हमारा, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसको मैंने ज़्यादा पैक नहीं किया क्योंकि हमने सुबह यहाँ से ले जाना है, तो ये देख लीजिए, और बहुत ही भयंकर सुंदर नज़ारा है यहाँ से, ओशम दिख रहा है यहाँ से। तो चलते हैं दोस्तों डेरे की ओर, क्योंकि अभी हमने नीचे जाना था, मैंने प्लान बना रहे थे हम, लेकिन 7 बज चुके हैं तो बहुत देर हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अब डेरे में, तो आपको दिखाएंगे फिर एक नज़ारा दिखाएंगे झंडी से, तो वहाँ से क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। धूप लगी हुई क्योंकि उस तरफ, तो हमारी बकरियाँ भी डेरे की ओर चली गई है, दिखाई दे रही हैं, घोड़ा भी चल गई मैं देख। तो राजू भाई नीचे गया, लेकिन क्या पता बर्फ़ में तो चले गया था, तो एक छोटा सा तो वहाँ पे एक टुकड़ा, तो उसमें जाने को तो चले जाता, बंदा फिसला नहीं होगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए बर्फ के उसमें, तो ऐसे चलते हैं इसमें हम, ये चले गए है अभी, यहीं पे फिसला था मैं। और दोस्तों देख लीजिए क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ। तो दोस्तों जब बाद में आओगे यहाँ पे, तो पूरे बर्मा कमल और गूगल या शर सारा चीज़ भरा हुआ रहता है इसमें, तो कौन गूगल की, तो फूल की माला भी बनाएंगे हम इस साल, तो दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे ये भगवती है खागा की, और यहाँ पे चलते हैं हम डेरे के नीचे की ओर। यहाँ पे देख लीजिए ये पूरे सफ़ेद फूल हैं, कम से कम बाद में यहाँ पे 100 प्रकार के फूल होते हैं। तो दोस्तों हमने बरसाती भी नीचे रखी हुई थी, तो दिख रही होगी वो फूल लाल छोटी सी जैसी,
तो हमारा उठाने का था। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों डेरे की ओर, तो दिखाते रहेंगे आपको रास्ते में। देख लीजिए पूरा पत्थरों का वो है, अभी एक दो साल में ये रास्ता भी यहाँ से पूरा टूट जाएगा। तो इसमें काम बनता है, रास्ता नया रास्ता बनाना पड़ेगा या तो ये ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ये बड़ा ग्लेशियर है इसमें टप रहे हैं अभी, तो ये देख लीजिए यहाँ से दोस्तों, अगर फिसलूंगा ना यहाँ से, कल फिसला मैं इसमें शाम को जो रास्ते से आते हुए, तो इतनी दूर चले गया था। मोबाइल फिसलेगा तो मैं तो रुक भी जाऊंगा, मोबाइल का कोई रुकने का नाम नहीं है। तो अभी इसमें ये राजू भाई गए थे तो उनके पाँव के निशान बचे हुए हैं। अगर दोस्तों धूप होती ना तो इसमें चला भी नहीं जाता है, ये बहुत ही भयंकर तरीके से धूप के कारण होता है इसमें। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किशन भाई आ रहे हैं। हेलो चाम हुआ, ये पक्की बर्फ है क्या दोस्तों? यहाँ पे पूरी एकदम पक्की बर्फ है। तो यहाँ पे राजू भाई ने काम खराब कर रखा है दोस्तों, ये देख लीजिए पूरा खड़ा चट्टा है, ये प्लान होता है यहाँ पे तो तब तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उतराई है चारों तरफ से पकड़ के ही चलना पड़ता है इसमें। तो राजू भाई ने तो नीचे जा रखे थे तो मैंने इसमें सीधे ऊपर ऊपर पेड़ लगा दी। तय पो तूने तो है पर चले जा लगनी चल पेड़। दोस्तों गया था मैं यहाँ से नीचे अभी, तो कल भी शायद मैं यहीं पे फिसला, ताकि बड़े वापस जाते ही मजा आ रही जब उस रोज चौ। तो दोस्तों कैमरा बंद करना पड़ेगा। दोस्तों तो मैं बहुत ही फास्ट चल के आ गया उसमें बर्फ में, तो ये देख लीजिए पूरा खागे से ऊपर से, और ये इतना बड़ा ग्लेशियर है। तो किशन भाई अभी आराम से आ रहे हैं, अरे एक तो मेरा मोबाइल का चार्ज ख़त्म, मुझे चार्ज पे लगाना पड़ेगा इसको, तो पावर बैंक में थोड़ा चार्ज बचा हुआ तो इसको कर देते हैं बस में, फिर होगा जो भी होगा देखी जाएगी, जैसी आएगी वैसी देखी जाएगी। इस साल कच्ची बर्फ है, उतनी पक्की बर्फ नहीं है, तो पिछले साल ये पूरी बर्फ नीचे तक दिखा ले में, तो इस साल नहीं है। तो दोस्तों घास भी ठीक ठाक लगा हुआ है ऊपर, तो सुबह को अगर मौसम साफ रह गया तो सीधा डेरा जाएगा हमारा ऊपर, तो वहीं बातचीत करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं दोस्तों, इतनी बर्फ में आ गया, इतनी बर्फ में डर रहा हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गोरिया भाई का डेरा भी आज ऊपर आ गया, ये देख लीजिए यहाँ पर सामने उनकी भेड़ बकरियाँ हैं, और हम भी आ गए झंडी से थोड़ा आगे, यहाँ पर ये झंडी, तो दोस्तों यहाँ का नाम झंडी बोलते हैं। और ये देख लीजिए अभी तो हल्का सिंचार है रास्ते का, और आगे से देख लीजिए हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, दो डेरे हैं नीचे। नीचे ऊपर तो ये जो पीला वाला है ये हमारा डेरा है, ये दूसरे नीचे दूसरा डेरा है,
और ये नीचे में तीसरा डेरा है। और दोस्तों आज हमारे घोड़े भी नहीं दिख रहे हैं, सुबह को तो वहीं थे मॉर्निंग में, तो अभी का पता नहीं है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं डेरे में, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम डेरे में पहुंच चुके हैं, डेरे के ऊपर है, ये देख लीजिए हमारे कुत्ते आ रहे हैं ऊपर, और ये देख लीजिए पूरा अंधेरा हो चुका है, हल्का फुल्का हुआ है और बादल भी होने को तो साफ हो रखे हैं। दोस्तों अगर सुबह को ऐसी रहा मौसम तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ भूल गए हम, बहुत ही खास चीज़ थी, सामान ढकाना था, लेकिन तिरपाल नीचे लिया है, फिर भी वो कर देंगे। देख लीजिए अपना रामू रिक्खू, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये दोनों रिक्खू, बड़े रिक्खू। तो अभी ये कुछ दिन, दो तीन दिन के बाद घर चले जाएंगे, बड़े दो बड़े वाले कुत्ते रिक्खू, दोनों रिक्खू चले जाएंगे। तो मेरे पास रहेगी सोकी और रामू और काली। और दोस्तों यहाँ पे भीड़, ये किनारे किनारे चलो, कुकुर ना लीजिए, कुकुर। तो दोस्तों ये मेरा सर में चढ़ रहा है, दोस्तों इनको बाद में देखना तुम, अभी इनके बाल निकल रहे हैं पूरे। तो यहाँ पे ये हमारी भेड़ बकरे हैं। तो दोस्तों अभी मेरा पूरा भयंकर तरीके से सर दर्द कर रहा है, तो ये मेरे से नहीं डरती है, उससे बहुत भयंकर डरती है। तो देखा होगा आपने, क्योंकि वो जाता है मेरे से डरने को, डरते हैं लेकिन उतने नहीं डरते हैं, डरता तो हर इंसान से हर पशु है। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक भेड़िए भी आई आजकल, एक ये बच्चा हो रखा है इसका, तो आजकल मेरे साथ भी बच्चे दे चुकी है, मतलब सात भेड़ बच्चे दे चुकी है, और कम से कम एक किसने भी दिया बच्चा। और दोस्तों अब इनकी पूरी कल गिनती लगेगी खागा में, तो पर जब पीछे टपेगी तो पूरा सब माल की गिनती लगेगी, कितना माल है तो कितना वो है। जिस दिन डेरा जाएगा बारिश नहीं होनी चाहिए, कीचड़ भी हो गया यहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं हुआ था उतना कीचड़ जितना आगे हुआ था, यहाँ पे तो थोड़ा ठीक है अभी भी। तो दोस्तों एक बकरी तो ये शायद बच्चा देने को वाली, और एक दो और देखी थी मैंने बकरी, एक पाठ है तो उसका बच्चा मैं किसी को दे दूँगा, तो उसको पिला के दूध खाने के लिए रखेंगे। दोस्तों तो आज बकरी हमारी नीचे तक बैठी हुई है, तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर ठंडा है। और दोस्तों मैं आपको परसों के ब्लॉग में बता रहा था कि यहाँ से काली मठ रुखी मठ सारा दिखता है, तो दोस्तों ये देख लीजिए पूरा वो लाइट ही लाइट चमक रही है वहाँ। और अभी मौसम देख लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और दोस्तों एक चीज़ हमारे साथ क्या हुआ, मैं परसों लाया तिरपाल त्रिजुगी नारायण से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा चल रही है, तिरपाल भी फट चुका है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर उतनी हवा नहीं है, और ये इतना टाइट भी नहीं किया हुआ मेरा, पूरा हवा से पूरे पूरे हाल है। और दोस्तों ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, ये ऊपर अपना खागा है। तो दोस्तों चलो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, तो दोस्तों इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।